उगलने वाले राक्षस से डर जाए। फिर उसने अपने आसपास देखा और एक पत्थर उठाकर राक्षस की आंख पर दे मारी। मेलिसा का निशान बिल्कुल ठीक लगा। मोटा और भद्दा राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा। दर्द के कारण उसके चीखने चिल्लाने की आवाज मेलिसा के कानों तक पहुंच रही थी। फिर मेलिसा ढेर से पत्थर उठाकर उसे मारने लगी। वो तब तक उसे मारती रही जब तक राक्षस पत्थरों के ढेर में दब नहीं गया। तभी मेलिसा को गुफा की दूसरी ओर से रोशनी आती दिखाई दी। पहले उसका ध्यान उस ओर नहीं गया था। जब मेलिसा ने पास आकर देखा तो वहां सोने से भरा एक बर्तन रखा हुआ था। उसे वो बर्तन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उसने इंद्रधनुष का दूसरा छोर देखने का शौक पूरा कर लिया था। अब उसे पता चल गया था कि सचमुच इंद्रधनुष का दूसरी छोर होता है, और इंद्रधनुष के दूसरे छोर वाली गुफा में सोने से भरा बर्तन भी छिपा रहता है। फिर उसके बाद मेलिसा अपने घर तक पहुंच गई, और इस तरह हमारी कहानी भी खत्म हो गई।